केंद्र सरकार ने बजट से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है और बैठक के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध किया गया है। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सभी दलों के नेताओं से आज मुलाकात करेंगे और इस दौरान सत्र में उठने वाले मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सरकार इस सत्र में 6 विधेयक पेश कर सकती है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट के लिए भी संसद से मंजूरी मांगी जाएगी। 22 जुलाई से शुरू होने वाला संसद का यह सत्र 12 अगस्त को समाप्त होगा, यानी 12 तारीख तक चलेगा ये। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। ये बजट सत्र कई मायनों में इस बार महत्वपूर्ण है। वहीं विपक्ष के हमलावर रवैये को देखते हुए सत्र के हंगामेदार होने की पूरी आशंका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी सरकार की तीसरी पारी का पहला आम बजट पेश करेंगी और खबर है कि TMC इस सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो रही है। और अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 16 जुलाई की है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हलवा सेरेमनी में शामिल हुई थी। वहीं आज सत्र को बिना हंगामे के चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसमें पक्ष और विपक्ष के नेता सभी इसमें शामिल होंगे। 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश होना है। उससे पहले इसकी शुरुआत है जो कि एक परंपरा है, हलवा सेरेमनी जो 16 तारीख को हुई थी, 16 जुलाई को, और उसके बाद आज सर्वदलीय बैठक और 23 जुलाई को यानी कि मंगलवार को आम बजट पेश होने वाला है। मोदी सरकार की तीसरी पारी में यह पहला आम बजट होगा और सरकार चाहती है कि विपक्ष का भी पूरा सहयोग मिले और इसलिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि सभी की रायशुमारी की जाए। हालांकि इस बैठक से TMC ने खुद को दूर किया है, TMC सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो रही है। तो देखना आम बजट से पहले क्या विपक्ष के साथ सरकार अपना एक तालमेल बैठा पाती है। कांग्रेस ने इस सर्वदलीय बैठक को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो NDA के साथ बैसाखी पे चल रही है वो रोज संविधान, संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक परंपराओं की हत्या कर रही है, चाहे पार्लियामेंट में प्रो टर्म कहो, डिप्टी स्पीकर कहो। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो जन समस्याओं से जुड़े हुए हैं, ये सरकार जानबूझकर जन सरोकार की अवहेलना कर रही है। लोगों को उम्मीद अब इस सरकार से बहुत कम है। पिछले 10 साल से धोखा मिला है लोगों को। महंगाई, दालों का रेट, टमाटर का रेट, सब्जियों का रेट, पेट्रोल का दाम, गैस सिलेंडर का दाम, ये सब लोगों को समझ में आ गया है कि ये सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती। बजट कैसा भी लाएंगे, आम आदमी के लिए उस बजट में कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों के लिए, उनका, मोदी साहब के दोस्तों के लिए जो भी होगा वो होगा। तो आपने सुना, कांग्रेस साफ साफ कह रही है कि इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद लोगों को नहीं है और ना ही विपक्ष को उम्मीद है।